भूपेश बाघेल जी शराब लेने का कोशिश करता है, हर घर में शराब पहुंचाता है। मेरा बेटा बेटी जिंदगी भर बेरोजगार ही होते रहेगा, के लिए भी भूपेश बाघेल जी को अभिनंदन करूंगा। छत्तीसगढ़ में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले सियासी दल वोटरों के अपने पक्ष में करने और विरोधियों पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने छत्तीसगढ़ के नवागढ़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला भी बोला। सीएम हेमंत ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर छत्तीसगढ़ में घर घर तक शराब पहुँचाने का आरोप भी लगाया। हमारे भूपेश बघेल जी बोले थे कि शराब को बंद किया जाएगा, अभी तो शराब को बाकी जो देश का प्रधानमंत्री है वो अपना गांव में अपना घर में विकास रूपी गंगा लाने का कोशिश करता है, भूपेश बघेल जी शराब लेने का कोशिश करता है, हर घर में शराब पहुंचाता है, बाकी मुख्यमंत्री लोग प्रधानमंत्री लोग गंगा लाते हैं, गंगा माया को लाने का कोशिश करता है और भूपेश बघेल जी शराब को घर घर ले आने का कोशिश करता है। और आप छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में शराब घोटाला कैला घोटाला के लिए पूरा फेमस हो चुका है। मैं इसके लिए भूपेश बघेल जी को अभिनंदन करूंगा। हेमंत बिस्व शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस द्वारा राज्य के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के ऐलान पर तंज भी कसा। उन्होंने पूछा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात तो करती है, लेकिन आप छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी कब दोगे? भूपेश बघेल जी बोला था कि हम छत्तीसगढ़ का युवाओं को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगा। ठीक है, आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देता है, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट कब देगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेके मैं कितना दिन चल पाऊंगा? आप बोलो मैं 5 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, वो बात आपको बोलना चाहिए, नौकरी का नाम नहीं है। आप बोल रहे मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा, मतलब मेरा बेटा बेटी जिंदगी भर